वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने बात की थी पहले भी आपसे. तो बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट्स. आप एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स का अगर कॉम्बिनेशन ले लेते हो तो उनसे जो आपके पास कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं विद एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ठीक है, तो देखो एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन और सिंपली एडिशन ऑफ टू और मोर सिंपल सॉल्ट्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. तो ये आपके पास पहली क्लास आती है कंपाउंड्स की, दैट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, जो सिंपली दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स के एडिशन से क्या मिलते हैं हमको? मिल जाते हैं. जब भी मुझे एक एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाना है तो मैं एक सॉल्ट लूंगा, सम सॉल्ट ए एंड सॉल्ट बी. इन दोनों को क्या करूंगा? चाहे अलग अलग हीट करो चाहे एक साथ हीट करो, हीट करने के बाद इनकी जो वेपर्स बनेंगी उनको मैं एक जगह क्या कर लूंगा? इकट्ठा कर लूंगा और इनको वापस से क्या करूंगा? कूल करूंगा. तो कूलिंग पर आपके पास जो क्रिस्टल मिलेंगे वो क्या होगा? आपके पास एक एडिशन कंपाउंड होगा सॉल्ट ए और सॉल्ट बी का. इन्हें हम बोलते हैं एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. ठीक है, इनको हमने फर्दर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है. जो आपके एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं इनको हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं. तो लिखो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स. द टाइप्स आर, फर्स्ट टाइप इज डबल सॉल्ट. Double salts, right? Double salts are formed by the combination of two or more simple salts in equimolar proportion. इक्वीमोलर प्रोपोर्शन मतलब आपके पास डबल सॉल्ट कब बनेगा? आप दो सॉल्ट्स को दोनों के इक्वल क्या हो? मोल्स हो. इक्वीमोलर प्रोपोर्शन, रेशियो क्या हो दोनों का? सेम. 1:1 के रेशियो में क्या करोगे? जब आप उन्हें ऐड करोगे, कंबाइन करोगे, तो आपके पास जो सॉल्ट फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? आपके पास डबल सॉल्ट्स. ठीक है, इन डबल सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखो. फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो ऑन डिसॉल्विंग इन वॉटर दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस. Second, they give positive test of all the ions present in them in aqueous solutions. इनके अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं ये अपने अंदर प्रेजेंट सारे आयंस का क्या देते हैं? टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे एक डबल सॉल्ट की हम बात करें, KCl.MgCl2.6H2. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल सॉल्ट. ये किससे फॉर्म हुआ है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ KCl एंड MgCl2.
जैसे ही आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, यानी क्या बनाएगा, के प्लस प्लस सी एल माइनस एंड एम जी टू प्लस। तो अगर आप इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सी एल माइनस का टेस्ट कैरी करवा रहे हो तो ये उसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। अगर आप एम जी टू प्लस का करवा रहे हो तो भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, के प्लस का करवा रहे हो तो भी आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा। दैट मीन्स डबल सॉल्ट्स आपके पास वो सॉल्ट्स होते हैं जो अपने, एक तो अपने आयन्स के अंदर पूरा तरह डिसोसिएट हो जाते हैं और अपने अंदर प्रेजेंट हर आयन का वो क्या देते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। सो दीज आर बेसिकली योर डबल सॉल्ट्स। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो आप लोग, दे कैन नॉट मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्लास पे मूव कर रहे हैं। द सेकेंड क्लास इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सॉल्ट तो बनेगा दो सॉल्ट, इसमें रिएक्शन नहीं होती, बस दो सॉल्ट का एडिशन होता है, मॉलिक्यूलर एडिशन, कोई सॉल्ट यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होती इनके बीच। लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिखो द कंपाउंड्स विच मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस are called coordination compounds, are called coordination compounds, ठीक है। तो coordination compounds में क्या होता है आपके पास, ये अपनी identity को lose नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं, लिखो इनकी properties के बारे में। पहला point, they do not dissociate completely in aqueous solutions, तो aqueous solution में ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं तो ये अपने आयंस का पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, they do not give positive test of all the ions present in them, ठीक है। तो एक coordination compound कभी भी अपने ions के अंदर completely dissociate नहीं होता है। For example, जैसे ये आपके पास एक coordination compound है, coordination compound को आप represent करते हो इस तरह से, आपके पास एक square bracket होता है, एक आइडेंटिटी होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और एक होता है आपके पास बाहर। ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहां पे जो भी आपके पास यूनिट्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर बॉन्डेड थ्रू coordinate bonds to the central metal atom, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा जो आपके पास पार्ट होता है coordination sphere के बाद, इधर उधर जो भी पार्ट है आपके पास, वो क्या बनता है आपका, ionization sphere। तो किसी भी coordination पार्ट के पास ये दो component होते हैं, एक होता है coordination sphere और दूसरा क्या होता है आपके पास, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखो, अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या हो गया आपका, आयोनाइजेशन स्फीयर। कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ क्या ब्रेक होता है आपका, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा, के प्लस। अब देखो वैलेंसीज कैसे पता करते हैं,
बचपन में क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा है हमने, तो हम वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर एक कॉफिशियंट है 1, इधर है 4, इसकी वैलेंसी जाएगी इधर, इसकी वैलेंसी जाएगी इधर। सिंस ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट के लिए हम पहले किसे लिखते हैं, कैटायन को, और बाद में किसको लिखते हैं, एनायन को। तो ये हो गया आपका कैटायन, यानी इस पर आएगा प्लस चार्ज, प्लस जो बाकी बचा वो क्या हो गया आपका एनायन, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये होता है आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्दर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे ये पहला केस था, पहले केस में अगर हम बात करें तो हम इसे कह सकते हैं सिंपल कैटायन, तो ये कैटायन क्या है, बिल्कुल सिंपल, प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, कैटायन हमारा कॉम्प्लेक्स हो और एनायन कैसा हो, सिंपल हो। फॉर एग्जांपल दिस केस, हमेशा पहले किसको लिखते हैं, कैटायन को, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज, इसका कॉफिशियंट 1, इसका 3, ये कॉफिशियंट जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये क्या बनाएगा, CO NH3 होल 6 3 प्लस प्लस Cl, बैलेंस हम कर सकते हैं 3Cl माइनस आएगा या 4Cl प्लस। तो ये केस हुआ आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन। ठीक है, थर्ड आपके पास टाइप आ सकता है जब आपके पास कैटायन भी कैसा हो कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कैसा हो कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल दिस केस PtNH3 होल 4 एंड PtCl4। तो यहां पे क्या हो गया पास, कैटायन भी कैसा है कॉम्प्लेक्स प्लस ये भी कैसा होगा आपके पास ठीक है, तो ये आपके पास कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। तो ये बेसिक 3 कैटेगरीज में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, एक आपके पास सिंपल कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, दूसरा आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सिंपल एनायन हो, या फिर कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कैसा हो आपके पास कॉम्प्लेक्स। इसमें आप ये रह सकते, देखो प्लेटिनम के आपके पास 2 कॉमन ऑक्सीजन स्टेट्स होती है +2 and +4। ठीक है, तो यहां पे ये +4 में प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं PtNH3 4 प्लस, तो इस PtCl4 पे कितना चार्ज आएगा 4 माइनस, तो यहां ये प्लेटिनम तो 4 प्लस में चला गया, लेकिन ये किस में आ गया 0 में, माइनस 4 आएगा, माइनस 4 उधर गया तो जाएगा +4, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। इसलिए जब हम इनको डिवाइड करेंगे यहां पे आपको इक्वली करना पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे भी बाद में जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो इस पर चार्ज कितना जाएगा आपके पास, क्योंकि इसकी स्टेट क्या होती है कॉमन +2 and +4, +4 पॉसिबल नहीं है, तो अब कौन सी आएगी यहां पे स्टेट +2, तो अगर इसको +2 दिया तो इस पे क्या आएगा -2, तो किस तरह से डिसोसिएट होगा PtNH3 होल 4 2 प्लस प्लस PtCl4 2 माइनस। तो ये थी आपके पास 3 कैटेगरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इससे हम डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स को इन एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड्स। फर्दर एडिशन कंपाउंड्स को आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहली कैटेगरी थी आपके पास डबल सॉल्ट्स और दूसरी कैटेगरी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम सभी जानते हैं, जब भी आपके पास कोई एक एटम होगा ए और उसके ऊपर कोई दूसरा पास, उसके पास में कोई दूसरा एटम आएगा बी, जिसके पास क्या होंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ए और बी के बीच में क्या बन जाएगा एक कोऑर्डिनेट, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इनके अंदर कौन से बॉन्ड मिलते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिन्हें आप डेटिव बॉन्ड्स भी बोलते हैं, बता सकते।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होते हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी यहाँ पे एफ ई और 6CN के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे। एफ ई सी एन सिक्स की बात करोगे तो एक एफ ई और बाकी सी एन के बीच में क्या होंगे आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। वो हम देखेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, हाल फिलहाल ये क्लियर है आपको। तो जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हैंड डालो, टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू, टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहला आपके पास पॉइंट आता है सेंट्रल मेटल एटम। लिखो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज अ मेटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, विच असेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो आप यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखो किसी भी, तो सब में एक ना एक मेटल है। जैसे हम इधर आकर केस की बात करें तो K4FeCN6 में Fe मेटल था, यहां पर कोबाल्ट मेटल है, यहां पर प्लेटिनम आपका क्या है मेटल है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा क्या होगा आपके पास एक मेटल एटम जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और इस सेंट्रल मेटल एटम का रोल क्या होता है, जो भी आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनसे क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और उससे उसके साथ क्या बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो जनरली डी ब्लॉक मेटल्स एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम, एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू फर्स्ट द स्मॉल साइज सेकेंड हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो मोस्ट जनरली आपके पास क्या होते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक मेटल्स होती है वो किसकी तरह काम करती है सेंट्रल मेटल एटम की तरह। उसकी तीन रीजन है, पहला उनकी साइज क्या होती है बहुत छोटी होती है, दूसरा उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है बहुत ज्यादा है। अगर साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है तो किसी भी दूसरे स्पीसी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यानी वो आसानी से किसी और के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और थर्ड जो भी आपके पास नया इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है उसको अकोमोडेट करने के लिए आपके पास ऑर्बिटल होने चाहिए। सपोज आपके पास जैसे मैंने कहा कि अभी एक रूम है हमारे पास एक घर है उसमें चार लोग रहते हैं, चार रूम है चार लोग रहते हैं। अब आपके पास क्या होता है मान लो आठ लोग आ रहे हैं तो क्या आप उन आठ लोगों को उस घर में एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपके पास रूम खाली नहीं है। तो बेसिकली किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जब वो आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास उन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट क्या होंगे डी ऑर्बिटल्स होंगे जिनके अंदर वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं अकोमोडेट कर सकते हैं।
तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक मेटल्स होती हैं, वो किसकी तरह काम करती हैं? सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आता है? नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है दैट इज लिगेंड। लिगेंड्स, राइट? लिगेंड्स आर द एटम्स, लिगेंड्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, लिगेंड्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, विच कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो लिगेंड्स क्या होते हैं आपके पास? लिगेंड्स आपके पास वो एटम्स या वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे। लिगेंड्स को हम जनरली डिनोट करेंगे एल से, अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज अभी देखते हैं हम क्या होते हैं लिगेंड्स। अगर आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम है M, और उसके पास में अगर एक लिगेंड आता है, तो लिगेंड के पास हमेशा क्या होंगे? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? इस सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बिटवीन M एंड L। तो यहां पे L क्या है? डोनर, और M क्या है? एक्सेप्टर। समझ में आता है? लिखो, on the basis of number of donor sites, the ligands can be classified in following types. देखो जितने इसके पास डोनेटिंग साइट्स होंगे एक लिगेंड के पास, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो? इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। लिखो डेंटिसिटी के बारे में, पहले the number of donor sites present in a ligand is called its denticity। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लो, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच कैन, आगे लिखो इसके बाद, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम is called its denticity, ठीक है? तो देखो, एक तो हम इनको डिवाइड करेंगे इनकी डेंटिसिटी के बेसिस पर, दूसरा हम लिगेंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके चार्ज के ऊपर बेस्ड। चार्ज क्या होगा? या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या वो नेगेटिवली चार्ज होगा, या फिर वो न्यूट्रल होगा। तो उस कैटेगरी को भी हम यहीं पे इंक्लूड कर लेंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। मोनोडेंटेट लिगेंड्स कौन से होंगे? विच हैव वन डोनर साइट विच कैन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है?
इसमें देखो आपके पास अगर हम बात करें एनायनिक लिगेंड्स की, एनायनिक लिगेंड्स कौन से होंगे? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे Cl- F- Br- I- NO2- OH-। ये सब क्या होंगे आपके पास? मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड्स, क्योंकि इन सबके अंदर कैसी साइट है? सिर्फ एक डोनर साइट। सिमिलरली आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जिनके ऊपर जीरो चार्ज होता है, लाइक H2O, NH3, CO। ये सब कैसे होंगे आपके पास? मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स। इसी तरह आपके पास कैटायनिक लिगेंड्स आते हैं। कैटायनिक वैसे आपके पास बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत कम है, लाइक NH4+ और NO+। ये सब क्या होंगे आपके पास? कैटायनिक लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास डोनेट करने के सिर्फ कितनी साइट्स होती हैं? एक साइट। यानी हर एक लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आता है? इसलिए मैंने कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। लेकिन अगर इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसको डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। हाँ, इसके पास नहीं है। तो एक्चुअली इनको बस क्लासिफाई किया, ये कभी भी आपको लिगेंड के फॉर्म में मिलेगा नहीं। उसे पॉजिटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है मेटल एटम से। हो सकता है मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले ले। किसके पास? मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ही ना, वो तो अपने ऑर्बिटल के अंदर और भर रहा है। उसके पास खुद के पास अगर प्रेजेंट होंगे तो ये उससे ले लेगा, हाँ, तो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। भाई लिगेंड बेसिकली होता हुआ जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर बनाए या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेकर बनाए। तो ये वाला जो केस है वो उस टाइम उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लेगा। इसलिए आपके पास कौन से लिगेंड्स होते हैं? ये कैटायनिक लिगेंड्स। समझ में आता है? चलो नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं सेकेंड क्लास क्लास के ऊपर, विच आर योर बाइडेंटेड लिगेंड्स। हाँ, एनायनिक तो हमेशा ही देगा, उसके पास तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखो आप लोग सेकंड बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं आपके पास? जिनके पास दो डोनर साइट्स प्रेजेंट। विच हैव टू डोनर साइट्स, ठीक है, लाइक ऑक्सेलेट। ऑक्सेलेट आयन होता है आपके पास C2O4-2-। अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाओ तो इट वुड बी C(OO)-, C(O)। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बना सकता है। तो ये आपके पास कैसा हुआ? एक बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके पास कितने डोनर साइट्स हैं आपकी? दो डोनर साइट्स। हो गया। नेक्स्ट इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन क्या होता है आपके पास? CH2NH2। इसके पास भी कितने डोनर साइट्स हैं? दो। इसलिए ये भी कैसा लिगेंड है आपके पास? बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसको प्यार से OX बोलते हैं, दैट मीन्स इसका सिंबल OX है। इसको प्यार से EN बोलते हैं,
उसका सिंबल है आपके पास ई, इथाइलिन ईएन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है आपके पास, इथाइलिन डायमीन। हो गया। नेक्स्ट आपके पास होता है ग्लाइसिनेट, विच इज NH2CH2C double bond O। ठीक है, इसको प्यार से बुलाते हैं GLY। उसके अलावा आपके पास आता है बाइपेरेडिल, बाइपेरेडिल इज इसको प्यार से बुलाते हैं बिपर। उसके अलावा आता है आपके पास डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम CH3 सिंगल बॉन्ड C। इसका नाम होता है DMG। हुआ? तो ये होते हैं आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। इनको बाइडेंटेट लिगेंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास दो डोनर साइट्स होती हैं। है ना, इसमें इसमें अगर आप देखो तो ये सारे कैसे हैं, ये एनायनिक है, देखो ये एक एनायनिक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई -2। ये एनायनिक है, वैलेंसी कितनी हो गई -1। ये एनायनिक है, वैलेंसी कितनी हो गई -1। बाकी तीनों क्या है, न्यूट्रल, कैटायनिक नहीं। समझ में आता है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट है आपके पास ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स में क्या होगा, आपके पास तीन डोनर साइट्स होंगी। लाइक दिस कंपाउंड, के पास कितने डोनर साइट्स हैं, इट्स कॉल्ड डाइएथाइलिन डाइअमीन, इट्स कॉल्ड डाइएथाइलिन ट्राइअमीन, सॉरी डाइएथाइलिन ट्राइअमीन। डाइएथाइलिन ट्राइअमीन, डाई का मतलब क्या होता है, दो, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्रुप। तो दो तो है आपके पास इथाइलिन ग्रुप और तीन क्या है आपके पास अमीन्स, उसका नाम क्या होगा आपके पास डाइएथाइलिन ट्राई अमीन, इसको हम डाइन भी बोलते हैं। सर इसके लिए आपके पास
डेंटिसिटी कितनी होगी इसकी? 3, इसलिए इसको ट्राइडेंटेट बोलते हैं। इसी तरह आपके पास आता है टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन सबको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें टेट्राडेंटेट की, तो उसमें पास आएगा ट्राई इथाइलीन टेट्रा अमीन, यानी CH2 CH2 NH2, सिंगल बॉन्ड NH, CH2 CH2 NH, CH2 CH2। तो यहां आपके पास कितनी डोनर साइट्स बन जाएंगी? 4, 1, 2, 3, 4। नहीं बनाएगा बॉन्ड, तो देखो इसकी जो हम स्ट्रक्चर आते थे, इसकी स्ट्रक्चर बना लो आप, पहले तो ये बनाओ स्ट्रक्चर डोनर साइट्स हैं तो कैसे ये बॉन्डिंग करता है, तो पहले से बना लो फिर बॉन्डिंग बनाते हैं इसकी। देखते हैं, देखो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर को ऐसे बनाता है, जैसे आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो एक कोऑर्डिनेट में बनाएगा इधर से, एक कोऑर्डिनेट में बनाएगा इधर से, एक कोऑर्डिनेट में बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। देखो हमारे काम के इंपॉर्टेंट लिगेंड्स पढ़ रहे हैं, और हेक्साडेंटेट लिगेंड में पास आता है EDTA, जिसका नाम है इथाइलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट। देखो ये होती है इथाइलीन डाई अमीन, ये तो हुआ इथाइलीन ग्रुप, इधर एक एनएच लगा, एनएच टू लगा दो तो ये क्या हो गई, ये बन गई इथाइलीन डायमीन। लेकिन हमारा कंपाउंड क्या है? इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट। तो यहां पे क्या होता है, इसके साथ जुड़ता है ये बना आपके पास इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, जिसका छोटा नाम क्या है? EDTA। तो ये होता है आपके पास एक हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अगर आप डोनर साइट्स की बात करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके पास 6 डोनर साइट्स हैं, तो आपके पास ये कैसा हुआ? एक हेक्साडेंटेट लिगेंड।
तो ये होते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डोनर साइट्स. जितनी डोनर साइट्स होंगी उसी के हिसाब से हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे इन मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड. पॉलीडेंटेड में पास मेनली आता है आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड. अभी देखते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, वो देखते हैं जब हम ज्योमेट्री देखेंगे उसमें बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो ये थे आपके पास टाइप ऑफ लिगेंड्स. एक बाइडेंटेड लिगेंड में एक लिगेंड और लिख लो आप लोग. जब आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड थे उसके अंदर आपका एक लिगेंड और है विच इज कॉल्ड एसिटिल एसिटोनेट. इसको प्यार से एसीएसी बोला. इट्स CH3C(OO), सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CO- सिंगल बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड एसिटिल एसिटेट एसीएसी. तो ये होता है आपके पास एसिटिल एसिटेट CH3C(OO)-CH3. इसका निकनेम है एसीएसी. तो ये आपके पास कुछ टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, फर्दर अभी हम और लिगेंड्स पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. नेक्स्ट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. तो देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं. ये आपके पास वो लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर दो डोनर साइट्स होती हैं, लेकिन एक टाइम पर वो सिर्फ क्या करेंगे, एक ही डोनर साइट को यूज करेंगे. अपने डोनर साइट, दोनों डोनर साइट से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते. तो लिखो दीज आर द लिगेंड्स, दीज आर द बाइडेंटेड लिगेंड्स. ऐसा लिखो दीज आर द बाइडेंटेड लिगेंड्स विच फॉर्म coordinate bond, which form coordinate bond through one donor site at a time. यानी ये आपके पास वो ligands होते हैं जिनके पास होती तो दो donor sites हैं, लेकिन एक बार में एक time पर वो एक ही element, एक ही साइड के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. दोनों साइड एक साथ वो यूज नहीं कर सकते. जैसे CN- साइनाइड, इसमें कार्बन भी डोनर साइड है और नाइट्रोजन भी क्या है, डोनर साइड है, लेकिन एक टाइम पे या तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा या फिर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा. जब कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसे हम कहते हैं साइनाइड ग्रुप या साइनो, और जब नाइट्रोजन बनाता है तो हम इसे कहते हैं आइसोसाइनो. ठीक है, इसी तरह होता है पास SCN-, इसमें आपके पास सल्फर डोनर साइट होती है और नाइट्रोजन. एक बार सल्फर डोनेट करके बनाता है तो हम बोलते हैं थायोसाइनो, और जब नाइट्रोजन डोनेट करके बनाएगा तो हम क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनो. इसी तरह होता है पास NO2 ग्रुप. NO2 में भी आपके पास दो डोनर साइट होती है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन. जब नाइट्रोजन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो. और जब ऑक्सीजन डोनेट करके बनाएगा तो हम किसी से कहते हैं नाइट्राइटो. ठीक है, तो ये आपके पास इनका सिंबल होता है. पहले हम इसे नाइट्रो लिखते थे और इसे लिखते थे ओ नाइट्रो, लेकिन अब चेंज करके इसको नाइट्रो और नाइट्राइटो कर दिया गया. तो ये सारे किसके टाइप्स हैं आपके पास, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जिनके पास दो डोनर साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम पर वो सिर्फ एक ही डोनर साइट काम में लेते. समझ में आता है. नेक्स्ट
एक आपके पास और हम टाइप बना सकते हैं विच इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स. ठीक है, ऐसा चीज इतना यूज नहीं आता है बट हमें पता होना चाहिए. देखो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ये वो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी डोनर साइट्स होती हैं लेकिन वो अपनी सारी डोनर साइट्स को बॉन्ड बनाने में काम. मान लो जैसे ईडीटी है, उसके पास कितनी डोनर साइट्स होती हैं, 6. तो 6 में से अगर वो 4 ही काम में ले रहा है तो वो कैसा लिगेंड है आपका, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड. यानी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी वो अपनी डोनर साइट्स का नंबर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. जितना वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, जितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, उनका नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो लिखो these are the polydentate ligands, these are the polydentate ligands which do not necessarily use all their donor sites, which do not necessarily use all their donor sites to form coordinate bond with the central metal atom, to form coordinate bond with the central metal एटम. ठीक है, जैसे ईडीटी है आपका, फिर से बनाते हैं ईडीटीए को. ऐसे ही ओ माइनस यहां आएगा, एक ओ माइनस, एनएच यहां, ओ माइनस. और तो ये इसके पास इसकी डोनर साइट्स होंगी. तो ये 6 डोनर साइट्स हैं, जरूरी नहीं है कि 6 की 6 के साथ ही क्या बना लिए, बॉन्ड बना ले. हो सकता है उनसे 3 को यूज कर ले या फिर 4 को यूज करके क्या बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले. तो उससे हम क्या कहेंगे, एक फ्लेक्सी डेंटेड लिगेंड. समझ में आता है. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का लिगेंड है, लिखो नेक्स्ट कीलेटिंग लिगेंड्स. क्या वो डिपेंड करता है उसकी ज्योमेट्री पे, पढ़ेंगे अभी सब कुछ. कीलेटिंग लिगेंड्स लिखो, सम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम with their donor sites to form a closed ring. These ligands are called Chelating ligands. And the complex formed is called chelating complex. The complex formed is called chelating complex. ठीक है, तो देखो आपके पास क्या होता है इस टाइप के कंपाउंड्स में, कीलेट्स क्या होते हैं, कीलेट या कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं. जैसे आपके पास कोई एक सेंट्रल मेटल एटम है M, इसके साथ में अगर ऑक्सिलेट को ऐड करता हूं तो ऑक्सिलेट क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस. तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा. तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास एक रिंग बन रही है. तो रिंग बनी, इस लिगेंड को हम क्या कहते हैं, कीलेटिंग
लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाकर एक क्लोज रिंग बना ले, उस लिगेंड को हम क्या कहते हैं? कीलेटिंग लिगेंड। और जो रिंग बनी, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसे हम क्या कहेंगे? कीलेट। समझ में आता है क्या होते हैं कीलेटिंग रिंग्स और क्या, सॉरी, क्या होते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स और क्या होते हैं कीलेट्स? फिर आप लोग लिखो, कीलेट्स आर फार मोर स्टेबल, कीलेट्स आर फार मोर स्टेबल देन देन अदर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। कीलेट्स आर फार मोर स्टेबल देन अदर सिंपल कॉम्प्लेक्सेस। The stability of chelates can be explained. The stability of chelates can be explained on the basis of entropy change. Entropy change. लिखो पॉइंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखो, when a chelating ligand bonds to the central metal atom, it displaces some number of monodentate ligands. It displaces some number of monodentate ligands equal to its denticity. As a result of which entropy increases. आप तो सर लिखो, As a result of which entropy increases. And thus chelates are more stable. देखो, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम के या किसी भी प्रोसेस के होने के लिए, किसी भी सिस्टम के स्टेबल होने के लिए, उसके अंदर जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है ना, वो क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। एक सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो रैंडमनेस हमेशा किसको डिफाइन करती है? स्टेबिलिटी को। अब देखो, जैसे मेरे पास ये ऑक्सीलेट था, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2। तो अगर इसको एक मेटल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले यहां पे जो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, हम मान सकते हैं कि यहां 2 मोनोडेंटेड लिगेंड थे। तो इस एक लिगेंड ने क्या किया? इन 2 लिगेंड्स को यहां से फ्री कर दिया, तभी तो यहां पे ये बॉन्ड बना। अगर ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता, तो ये कितने लिगेंड्स फ्री करता है यहां से? 6। अगर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स फ्री हो रहे हैं, तो सिस्टम की रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्योंकि पहले क्या थे आपके पास? 6 लिगेंड्स जुड़े हुए थे इससे। ठीक है, तो सिस्टम से मॉलिक्यूल का नंबर कम हुआ था, तो वहां पर रैंडमनेस भी क्या होगी? कम। भाई, एक क्लास में 500 बच्चे हैं, एक क्लास में 5 बच्चे हैं, रैंडमनेस ज्यादा कहां होगी? जहां 500 होंगे। तो यहां पे क्या थे? लिगेंड का नंबर ज्यादा था, सॉरी, यहां पे कम था, तो आपके डिसऑर्डर क्या था? कम। लेकिन इस लिगेंड ने क्या किया? इन दोनों को फ्री कर दिया। जैसे ये फ्री हुए, तो ये क्या करेंगे? सिस्टम के रैंडमनेस को और ज्यादा बढ़ाएंगे। रैंडमनेस बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए कीलेटिंग लिगेंड्स आपके पास सिंपल लिगेंड से ज्यादा स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब देखो, आपके पास सारे के सारे कीलेट स्टेबल नहीं होते। आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि आपके पास जब भी एक रिंग बनती है, तो सिर्फ 5 और 6 मेंबर रिंग्स क्या होती हैं? ज्यादा स्टेबल होती। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, बहुत कम आपका क्या होता है? एंगल स्ट्रेन होता है। तो आपके पास 5 और 6 मेंबर रिंग जब भी बनेंगी, तो दोज विल बी फार मोर स्टेबल देन 4 membered या फिर 7 membered rings, क्योंकि आपके पास angle strain क्या होता है? 6 membered ring का angle strain 0 होता है, जबकि 5 membered ring का angle strain थोड़ा
कम होता है। तो जब भी आपके पास 5 और 6 मेंबर रिंग्स बनेंगी तो वो कीलेट क्या होगा आपके पास, सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे यहां पे बात करें 1 2 3 4 5, ये एक 5 मेंबर रिंग बनी है आपकी, समझ में आता है। तो लिखो ओनली दोज कीलेट्स विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग्स, ओनली दोज कीलेट्स विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन अदर कीलेट्स। ठीक है, तो जहां जहां आपके पास 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनेगी वो कीलेट्स क्या होंगे आपके, ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, चलो तो ये थे आपके पास कीलेटिंग लिगेंड्स। तो हमने पढ़े टाइप ऑफ लिगेंड्स जिनके बेसिस पर आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो लिगेंड्स को, आप क्लासिफाई करते हो उनकी डोनर साइट्स के बेसिस पे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। उसके बाद हमने बात की एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की, जो क्या करते हैं, दो डोनर साइट्स होती है लेकिन एक टाइम पर एक को यूज करते हैं। लास्ट फिर आप नेक्स्ट पढ़ा उसके बाद फ्लेक्सीडेंटेड, जिसमें डोनर साइट्स बहुत सारी होती हैं पर वो कंडीशन के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेता है। उसके अलावा लास्ट आपने पढ़ा कीलेटिंग लिगेंड, जो क्या करता है, पास एक क्लोज्ड रिंग फॉर्म करेगा और कीलेटिंग लिगेंड्स वुड बी मोर स्टेबल देन अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कीलेट्स विल बी मोर स्टेबल देन अदर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, समझ में आता है। नेक्स्ट लिखो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो देखो हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। तो लिखो द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड its oxidation number. For example, ये compound K4FeCN6। अगर मैं इस compound की बात करता हूं आपके पास, ठीक है, देखो मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, central metal atom identify करना होता है। तो वो तो आप आसानी से identify कर सकते हो, कौन सा है central metal atom, Fe, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होगा वही क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल। तो ये हुआ Fe मेरा सेंट्रल मेटल। अब मुझे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मतलब दो मेथड्स यूज कर सकता हूं। पहला मेथड, या तो आप डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करो, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है आपके पास की जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 एक्सेप्ट परोक्साइड्स, तो वो केस यहां नहीं आएगा आपके पास। तो ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2, ठीक है। उसके अलावा हैलोजन का कितना होता है, -1, ठीक है। और बाकी जो भी स्पीसी या मॉलिक्यूल गिवन है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम उसका क्या मान के चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आपके पास कुछ रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जैसे OH-, ये एक रेडिकल होगा, तो हम इसको पूरे का यूनिट मानते हैं, O को और H को अलग ना लेकर हम इसको यूनिट मान लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -1। जैसे साइनाइड होगा उसका कितना होगा, -1। कार्बोनेट हुआ उसका कितना हो जाएगा, -2। सल्फेट हुआ उसका कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम K की बात करें, ये अल्कली मेटल है, तो 4 × इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हुआ, प्लस मुझे Fe का कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा X, प्लस 6 × CN का कितना होता है, -1। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो ये कितना हो गया, तो ऐसे X की वैल्यू कितनी आई,
यानी इस कंपाउंड में एफी का ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? प्लस टू। एक मेथड तो हुआ ये मेरे पास। दूसरा मेथड, वापस से इस कंपाउंड को लिखो, क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, ये वन ये फोर, पहले लिखा है तो कैटायन होगा, यानी इस पर प्लस चार्ज, इस पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आएगा वन, इधर कितना आएगा, यानी यहां पे जो एनायन है मुझे तो सेंट्रल मेटल लंग से मतलब है, तो कितना बनेगा, एफ ई सी एन होल सिक्स फोर माइनस, एफ ई का निकालना है एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस टू। तो इस तरह से हम निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इन अ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट, ठीक है। चलो आप लोग कुछ एलिमेंट्स के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बताओ, सब रेडिकल्स में आते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज होगा वो रेडिकल्स होंगे सब, OH माइनस Cl, OH माइनस Br माइनस Cl माइनस SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस, सब रेडिकल्स होते हैं, जिस किसी के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेडिकल होगा। इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, फटाफट करो। सबसे पहले इसका होता है फर्स्ट वाले का, इसका फर्स्ट हो जाए, सेकंड में मूव करते जाना, देखो आप बिना पेन उठाए भी इनको कर सकते हो, वैसे तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे यहां पे देखें, कॉपर है NH3 SO4 है, ठीक है, तो या तो वही तरीका X वाला मानने का, तो X प्लस NH3 कैसा होता है, कितना चार्ज होता है NH3 पर, जीरो, ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो जीरो माइनस सल्फेट पे कितना होता है, टू, तो एक्स के लिए कितनी आ गई, टू, या फिर सिंपली ये सल्फेट माइनस टू है तो ये कितना होगा, प्लस टू, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कॉपर पे आएगा सारा चार्ज, यानी कॉपर ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ, प्लस टू। सिमिलरली इसमें क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, ये कैटायन होगा, प्लस थ्री, ये जीरो है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, प्लस थ्री। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, जीरो, ये भी कैसा है, पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो पड़ा है ना, CO, CO पे कौन सा चार्ज होता है, क्या CO2 पे कोई चार्ज होता है, H2O पे कोई चार्ज होता है, ये सब कैसे है आपके पास, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, तो इस पे चार्ज जीरो, यहां कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा आपके पास, समझ में आता है, इसमें बताओ C2O4 कौन सा लिगेंड है, पढ़ा है आप लोगों ने, किसको क्या होता है C2O4, ऑक्सीलेट, वेरी गुड, और ऑक्सीलेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस टू, वेरी गुड, तो ये हो गया आपके पास K3, अगर ये तो कैटायन होगा तो ये एनायन, इस पर माइनस थ्री,
एक्स माइनस कितना जाएगा 3 × 2 यानी 6, दिस शुड बी इक्वल टू -3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिगेंड कौन सा यूज कर रहे हो और उसकी वैलेंसी कितनी है। जो हमने लिखी है, हमने देखा है नॉर्मल लिगेंड है तो मतलब बेसिकली उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही क्या होगी उसकी वैलेंसी। ऑक्सैलेट पे क्या होता है? -2 चार्ज होता है, हमने बनाया था अभी सी डबल बॉन्ड O-, सी डबल बॉन्ड O-। जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिले, ये कंपाउंड आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता था CrOX3। समझ में आता है? तब भी इसका आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? C। क्लियर है? अच्छा बताओ इस कंपाउंड पे FeEDTA- Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4 +5 और कुछ बच गया तो भी बोल दो। +4 कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? बोलो बोलो क्यों नहीं हो सकता? Fe का दो ही तो स्टेट होती है +2 और +3, तो +4 + 5 + 6 कैसे हो जाएगा? EDTA की स्ट्रक्चर बनाओ। EDTA की स्ट्रक्चर में क्या था? दो तो CH2 थे, N इसके साथ एक एसीटेट O-, 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 इस पे चार्ज कितना आएगा टोटल? कितना? -4। तो इसका चार्ज हुआ -4, X-4 = -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो लिगेंड के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वही क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और उसको डील करके हम क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आता है? चलो फिर उसके बाद एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनायन। जैसे एक केस PtNH3 → 4 PtCl4, दोनों के अंदर पीटी की स्टेट बताओ। अभी भी बताया था मैंने आपको निकालना। कैसे निकालेंगे? देखो प्लेटिनम की दो ही स्टेट होती है +2 और +4 कॉमन स्टेट। तो अगर यहां +4 कर दूंगा तो यहां कितना आएगा? -4, यानी ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहां पर पीटी किस में जाएगा? +2 में, और यहां किस में जाएगा? -2। ये चीजें और कैसे निकालते हैं? आप आगे पढ़ोगे भी और सीखोगे तो आप निकाल सकते हो इनको। सिमिलरली इसमें अगर बात करें तो अगर इसमें पीटी को मैं +2 देता हूं तो इस पर कितना आएगा? -2 होगा। देखो दोनों को +4 + -4 अगेन नहीं दे सकते, फिर ये कहां चला जाएगा? 0 में, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl। Cl इससे इलेक्ट्रॉन्स तो विड्रॉ करेगा ही करेगा, इसको कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर तो वो देगा ही देगा। ठीक है, तो यहां पर देखो +2 तो आ गया इसके ऊपर चार्ज, तो कितना होगा? X-2, इसकी वजह से कितना हो गया? 0। दिस शुड बी इक्वल टू +2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 4। इस तरह इसमें बात करते हो तो X-4 शुड बी इक्वल टू -2, तो X की वैल्यू कितनी हुई? तो इस पर आया ऑक्सीडेशन नंबर +2, जबकि इस पर कितना आया? +4। समझ में आता है? निकाल सकते हैं। तो देखो इस तरह से ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए आपको कॉमन स्टेट्स पता होनी जरूरी है कि किस किस की क्या क्या कॉमन स्टेट्स होती है। प्लेटिनम की होती है +2 + 4,
Fe की होती है प्लस टू प्लस थ्री, कॉपर के चले जाओ प्लस वन प्लस टू, जिंक के चले जाओ तो सिर्फ प्लस टू होती है, कोबाल्ट के चले जाओ तो आपके पास प्लस थ्री होती है। तो कॉमन स्टेट्स आपको इनकी पता होनी जरूरी है, जिनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ पॉइंट है शायद, फोर्थ डेफिनेशन है ना आपकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, the number of coordinate bonds which the ligand forms with the central metal atom in that complex compound is called its coordination number। यानी उस गिवन कॉम्प्लेक्स में आपका जो लिगेंड है वो जितने उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो ही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, PtNH3O4+, अगर यहां पे सेंट्रल एटम है पीटी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, क्योंकि ये चार एन एच थ्री के साथ क्या बना रहा है, एक एक सिंगल बॉन्ड। समझ में आता है, इसमें लिखता हूं FeCN6। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि यहां पे 6 CN क्या बना रहे हैं, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसी तरह जैसे हम इस कंपाउंड की बात करें CrC2O4³, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सिलेट कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी एक ऑक्सिलेट दो बॉन्ड बनाएगा तो तीन ऑक्सिलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड होंगे उनमें एक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2, तो जितना उनका नंबर गिवन है उससे आप क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका, 4, क्योंकि ये कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली FeEDTA- बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, क्योंकि EDTA कैसा लिगेंड, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। समझ में आता है, तो इस तरह से हम गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। और एक बार अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया तो मैं उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बता सकता हूं। अगर आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो आप उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बता सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 तो ज्योमेट्री होगी आपके पास लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास दो तरह की ज्योमेट्रीज बनती हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी बनेगी आपके पास स्क्वायर प्लेनर। साथ साथ आप इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो, जैसे इस केस में तो बनेगा आपके पास sp, जबकि यहां बनेगा आपके पास sp3, इसमें बनेगा आपके पास dsp2। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री आपके पास आएगी ऑक्टाहेड्रल,
और जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा या तो वो आएगा sp3d2 या फिर वो आएगा d2sp3। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है तो आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, आप उसमें हाइब्रिडेशन बता सकते हो। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, दो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। अगर आपके पास चार कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर, और अगर छह है तो ज्योमेट्री हमेशा कैसी होगी, ऑक्टा। ये जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे इनके अंदर तब बात करेंगे कि हम कैसे पता करते हैं किस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर अपना। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाया, आज हमने डिफाइन किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर उनके अंदर कुछ जो टर्म्स हम यूज करते हैं हमने उनकी बात की। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले कि आपके पास सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और एक एटम को सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। दूसरा हमने बात की लिगेंड्स की, लिगेंड्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तीसरा फिर हमने बात किया ऑक्सीडेशन नंबर और किस तरह से हम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। द लास्ट वाज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सबके सब टर्म्स यूज करना, उनको कैलकुलेट करना आना आपको जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी से जो भी आपको मिलता है उसमें मिलेगा आपको, तो उसको आप पढ़ के आना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज जो पढ़ा है उसको वापस से रीड करना एनसीईआरटी में जाके, और कल हम जो स्टार्ट करेंगे उसको आप पहले से पढ़ के आना। कल हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करेंगे और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। डन।